सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने विचार नहीं बदले। विचार बदल दीजिए ना। कांटों के बगीचे में रहोगे तो कांटों जैसा बनके ही रहना पड़ेगा ना। अब आप कांटों के बगीचे में रहो और कहो कि कांटे की खनक ना लगे, कांटा लगे ना। भाई कांटों के बगीचे में हो तो कांटा तो लगेगा। तो क्या करना है? कांटों के बगीचे को आप फेंक नहीं सकते। कांटों के बगीचे को मत बदलिए, कांटों के बीच में रहने की आदत बना लीजिए आप। हमें जमाना नहीं बदलना, अपने आप को बदलना। जब आप कांटों के बीच में रहने के लिए माइंड से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कितने चुभेंगे। हाँ अच्छा, आप नंगे पांव चलते हैं ना तो 100 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे, हाँ या ना। अधिक से अधिक 1000 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे आपको। परंतु जो नंगे पांव चलता है वो तो 10 किलोमीटर चल ले तो छाले नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है नंगे पांव चलने की। बस कांटों में रहने की आदत बना ली। आप कहते हैं ना गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। भाई जिन परेशानियों से आप परेशान हैं उन परेशानियों में रहने की आदत बना लीजिए, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अभी आपकी आदत नहीं है इसलिए वो परेशानी लग रही है। भाई नए व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो थोड़ी सी हिचक तो होगी, आदत नहीं है ना उसके पास रहने की, पर रहते 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 क्या होगा, आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर समस्या नहीं होगी। समस्याएं तब तक हैं जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं है, आपके लिए चुनौतियां हैं। आपकी समस्याएं क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी वो चुनौतियां हैं। आप उन चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और उन्हें सुधारते हुए, वो ना सुधरे अपने आप को। भाई आप यहां से बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ जाते हैं तो बहुत टेढ़े रास्ते होते हैं। अब आप रास्ता बनाने तो नहीं बैठ जाएंगे भाई, रास्ता जो है उसी से बचते बचाते निकल जाइए। अब ये थोड़ी कि सकरा रास्ता है तो आप खुदाई करने लग जाए, नहीं हम बड़ा करके जाएंगे, पागल हो गए हो क्या? अरे सकरा है तो जैसे तैसे निकलो वहां से। हाँ आपके जीवन में भी कई बार सकरे रास्ते मिलते हैं, कई बार कांटे भरे रास्ते मिलते हैं। हाँ आपको उलझना नहीं है, आप तो बस आगे बढ़ते जाइए, कैसे भी करके वहां से निकलिए, पार हो जाइए। फिर देखेंगे तो आप दुखों से बहुत आगे निकल गए, आप जीत गए जंग। और यदि दुखों में उलझ गए, हार गए। हारना नहीं है, जीतना है। भागवत जीतना सिखाती है। गीता अर्जुन को हारते हारते जिता गई कि नहीं? अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, सब कोई खड़े हैं सामने हमारे रिश्तेदार। भगवान ने कहा लड़ो जीतो, बस आपको लड़ना है और जीतना है। लड़ाई जीत के लिए हो, संकल्प हो, जीतना है बस। तो भागवत सदा पॉजिटिव करती है, भागवत सदा तकदीर और तस्वीर बदलती है, भागवत विचार बदलती है। आपके ये बच्चे नौजवान मेरे भाई बहन ये भागवत को हल्के में लेते हैं, ये समझते नहीं हैं। यदि इनकी समझ में आ गई तो विश्वास दिलाता हूँ कि तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएगी।